तो मान लो ये कर्व सरफेस है, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा इस तरफ, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो जाता है पोल, ठीक है ना। यहां मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं ओ, तो होगा क्या ये बताओ। एक लाइट रे निकलेगी आपके ऑब्जेक्ट से इस तरह से, और जाके सरफेस पे टकराएगी, मान लेते हैं यहां कुछ, ठीक है। अब आपको नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल हमेशा कहां से बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो नॉर्मल हम इस तरह से बना देंगे, समझ आया, ये बन गया हमारा नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो मान लेते हैं कि आगे जाके ऑप्टिकल एक्सिस को कहीं कट करती है, मैं मान लेता हूं यहां पर, और यहां इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आया। तो हमें इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालनी है कि भाई यू कितना होगा, वी कितना होगा, और ये सब डायग्राम बना लो तब तक, फिर हम प्रूफ कर लेंगे। सिंपल सा प्रूफ है बहुत। इस पॉइंट को मैं एम नाम दे रहा हूं, देखना, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, है कि नहीं। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ओके। इसे नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे दो बी, और इसे नाम दे दो सी। तीन एंगल मान लिए, क्या रिलेशन आ जाएगी एंगल्स में, फटाफट बताओ। अच्छा एक एक चीज और, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू, यानी ये कर्व सरफेस है जिसके लेफ्ट साइड पे मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन का, और राइट साइड पे मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू का, ठीक है। पहले तो आप क्या लगा सकते हो, स्नेल्स लॉ, क्या लिखूंगा मैं बताइए, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और यहां हम क्या मान लेते हैं कि आई आर ए बी सी आर स्मॉल, ये सभी एंगल्स कैसे हैं, छोटे हैं। तो क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, कोई दिक्कत, चलो एंगल्स में रिलेशन क्या आ जाएगी, T प्लस आर इज इक्वल टू बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू आई, आर क्या आई आई होगा ना, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहां लिख सकता हूं मैं म्यू वन इंटू आई की जगह पे लिख दूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर की जगह लिख सकता हूं बी माइनस सी, दिक्कत, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बस इन्हीं को बस ओपन कर दें, तो आपको मिलेगा म्यू वन ए प्लस म्यू वन बी इज इक्वल टू म्यू टू बी माइनस म्यू टू सी। यहां से लिख सकते हो म्यू वन ए माइनस म्यू टू सी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बी प्लस म्यू टू, अच्छा ये इनटू बी, इसी को लिख देंगे हम आगे क्योंकि एंगल्स छोटे हैं, तो म्यू वन इनटू टेन ए प्लस म्यू टू इनटू टेन सी
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टू टेन बी। अब ये चीज तो आपको क्लियर ही है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं तो ये पॉइंट भी ऑलमोस्ट क्या है, पी ही है, तो इसी को पोल कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये हो गई हमारी यू, इमेज की डिस्टेंस पोल से हो गई हमारी वी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई आर। पुट करो टेन ए क्या हो जाएगा एम पी बाय यू, एम पी बाय यू प्लस सॉरी म्यू वन इंटू म्यू वन भी आएगा म्यू टू इंटू टेन सी एम पी बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन टेन बी एम पी बाय समझा। अब U को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, एक चीज और देखो जरा क्या था, सारे MP तो कट हो ही जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा यहाँ से रिलेशन और U हमारे कैसा है नेगेटिव, दिख रहा है कि नहीं डायग्राम में जो हमने चूज किया है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे माइनस, तो यहाँ से आपको मिलेगा म्यू टू बाय वी माइनस mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r, और ये है फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, हमने इस केस के लिए निकाला है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी साइड आ सकता है, मैंने इस पर्टिकुलर केस के लिए एंगल्स लिखे हैं और फिर निकाला है, तो आपको वहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हर चीज को आपको साइन के साथ पुट करना है, नहीं हम 100% रिफ्रैक्शन लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को जो होता है वो होता है म्यू टू कौन सा है और म्यू वन कौन सा है, लोग ऐसा सोच लेते हैं जिसमें इमेज बनेगी वो म्यू टू है, जिसका ऑब्जेक्ट है वो म्यू वन है, क्या ऐसा कोई जरूरी है, ऑब्जेक्ट आपकी वर्चुअल भी हो सकती है। तो याद क्या रखना है कि जिस मीडियम में रे रिफ्रैक्ट होती है, यानी दूसरा मीडियम जो है रिफ्रैक्शन होता है, तो एक मीडियम जहां से लाइट आती है और एक मीडियम जहां लाइट जाती है, तो म्यू टू है अगला मीडियम यानी जहां लाइट जा रही है, और म्यू वन है जहां से लाइट आ रही है। ये चीज यहां लिख लो, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्यों है ऐसा जरूरी, वर्चुअल बन जाएगी इमेज, इधर बन जाएगी पीछे, मीडियम ऑफ इंसिडेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोर्ड्स वगैरह के लिए एनसीईआरटी में जो दिया होगा वो वाला नहीं है, पता नहीं देख लेना एक बार, पॉइंट लिया सब कुछ सब्जेक्टिव ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा एक चीज और लिखना भूल गया हूँ मैं,
भूल क्या गया मतलब, तो रियल वर्चुअल कैसे पता करोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, ये तो सबको समझ आता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर इमेज जैसे मैंने शो की है वैसे बनी है तो वो रियल है या वर्चुअल है? अच्छा लोग समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है रुक जाओ सर। रियल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये हमारा स्फीयर है ना, और यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसी रेज इधर जाएंगी पॉजिटिव डायरेक्शन आप कौन सी बोल दोगे, ये, और नेगेटिव डायरेक्शन आप कह दोगे ये, और मान लेते हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो होता है यहाँ। तो अब ये इमेज वर्चुअल है या रियल है? तो गड़बड़े आती है, लोग ये रेड लेते हैं कि प्लस साइड बनती है तो वर्चुअल होती है। भाई वहां पे मिरर के पीछे बनती थी वो वर्चुअल दुनिया थी, बात समझ आ रही है? यहाँ लॉजिकली लाइट को इस मीडियम से टकराने के बाद जाना किस तरफ चाहिए? इमेज की तरफ, राइट में ही जाने जाएगी ना। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रे यहाँ जाके और यही तो जानी चाहिए, तो रेज मीट कर सकती है अगर तो राइट साइड में ही मीट कर सकती है। क्या यहाँ तक पहुंचने के बाद रिफ्रैक्टेड रे लेफ्ट में मीट कर सकती है कभी? रिफ्रैक्शन का तो मतलब ये दूसरे में चला गया, यानी कि ये इस केस में क्या हो जाती है? समझ आया? और अगर इस तरह से ये फैल जाती और यहाँ कहीं इमेज आपको एक्सटेंड करके बनानी पड़ती तो वो होती वर्चुअल इमेज। समझ आया? तो ये याद रखना, मिरर से थोड़ा सा अलग रहता है, मैं भी है, क्योंकि लेंस में भी क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ लिख सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट, ठीक है? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बताना है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। क्या टाई हो गया, दो लोगों ने रियल कहा, दोनों वर्चुअल।
हाँ हर का भी साइन रखना है, सबका साइन रखना है। फोकल लेंथ का साइन रखते थे कि नहीं रखते थे? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन रखोगे। तो देखो रे ऐसे जाएगी, तो इससे आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब सेंटर कहाँ रहा है? राइट में, तो रेडियस पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आया? यहाँ नेगेटिव। तो आपको है फॉर्मूला एन टू बाई वी या म्यू टू बाई वी, तो लिखना चाहते हो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। म्यू टू क्या है? जिसमें रे जा रही है, टू बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस पॉजिटिव। यहां से आपको मिलेगा टू बाय वी वन बाय सिक्सटी माइनस वन बाय थर्टी, कितना आ गया? तो माइनस यानी कि लेफ्ट में बनी है। तो कैसी है, रियल है वर्चुअल? वर्चुअल। क्या हो बेटा? स्क्रॉल, स्क्रॉल अप करूं? यस। यस सर, थैंक यू। चलो अगला इंडिविजुअल रियल। सॉल्व किया है या फोकस वाला सोच के? 60 सेंटीमीटर और रियल 120 रियल। चैलेंज हो गया है 120 रियल। क्या बात है, 120 रियल क्या हुआ? हो गया सर। और आगे के खड़े हो तो थोड़ा खड़े यार, एक आर्ट आप एक इंजीनियर हो। वन ट्वेंटी चलो देख लेते हैं क्या सब यही लिखा। ये राइट में जाएगी रे, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो म्यू टू इस बार है फोर बाय वी, माइनस म्यू वन है टू बाय यू, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन रेडियस है पॉजिटिव। यहाँ से 4 बाय वी की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गया हमें 1 बाय 15 माइनस 1 बाय 30। तो वी मिला माइनस 120 प्लस 120 और प्लस है यानी कि कोई कष्ट बोलिए। अगली चीज लिख लो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इन रिफ्रैक्शन टू कर्व्ड सरफेस। निकाल के बताओ कितना होगा, देखें कितने लोग कर पाते। करने का मैं वो बता देता हूँ करना कैसे। ये हो गई ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सी यहाँ रखी हुई है ऑब्जेक्ट। इस बार ऑब्जेक्ट को कैसा लेना है, एक्सटेंडेड, यानी ये हो गई ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। आपको बतानी है इमेज की हाइट, यहां मीडियम का म्यू है म्यू वन और यहां है म्यू टू। रे डायग्राम थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, यहां से जो रे पोल पे जाएगी वो कैसे निकलेगी? क्यों तो भैया वरदान मिलेगा उसको? स्ट्रेट सिर्फ एक तरह की रे निकल सकती है रिफ्रैक्शन के टाइम पे, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री हो। ये समझ आता है कि नहीं? क्या यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री है? ये ऑप्टिकल एक्सिस ही तो नॉर्मल है, तो ये है आई, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी बेंड। फिर किसी भी तरफ कर लो, मैं इस तरफ कर रहा हूँ डायग्राम के, ये मान लो कुछ ऐसे निकल जाएगी, है ना? तो ये हो गया आपका आर, और एक रे कुछ ऐसे बना लो, तो यहाँ कुछ आई होगी, कुछ ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ आपका इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। ये आपकी इमेज बन गई है आई। देखो आप कुछ लगा सकते हो क्या ज्योमेट्री? ये डिस्टेंस आपको पता है वी है, ये डिस्टेंस पता है यू। कौन सा मैग्निफिकेशन है ये? सवाल ही नहीं समझ पाए। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दो तरह के होते थे ना, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, है ना? ये परपेंडिकुलर वाला है। यहाँ पूरी चीज रिपीट होने वाली है जो आपने कर्व्ड मिरर में पढ़ा है, सब कुछ। क्या किया? तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप? पहली चीज तो आप लिख सकते हो म्यू वन साइन आई, ये होना चाहिए म्यू टू साइन आर, क्योंकि पेरेक्सियल रेज माननी है। इसी को क्या लिख सकते हैं, म्यू वन टेन आई इज इक्वल टू म्यू टू टेन आर। समझ आया? क्या लिख देंगे, म्यू वन टेन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच नॉट बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू एच आई बाय वी। तो मैग्निफिकेशन जो कि होता है ट्रांसवर्स, तो क्या हो जाता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ आया? रेशियो लोगे क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू वन बाय म्यू टू टू वी बाय। कोई कष्ट? लॉन्गिट्यूडनल बताओ फटाफट। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल में दो केस आते हैं, एक बार बड़ी ऑब्जेक्ट है तो क्या करोगे, दोनों एंड्स की लोकेशन निकालोगे। वो वाला मैं नहीं लिखा रहा हूँ, टाइम पास है, समझ आ रहा है कि नहीं? छोटे वाले के लिए बताओ क्या आएगा।
बोलो भाई किसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेंथ क्या लॉन्ग चाहिए, क्योंकि कौन सा वाला, बिल्कुल म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, माइनस वन बाय वी स्क्वायर म्यू टू डी वी प्लस वन बाय यू स्क्वायर म्यू वन डी यू इज इक्वल टू जीरो। समझ आया, डी वी क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, समझ आ रहा है, तो लेंथ ऑफ इमेज या डी वी ये आपको मिल गया कितना, वी स्क्वायर, क्या मुझे ऐसे लिख लेना, म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर इंटू डी यू, ये बना है फॉर्मूला। तो क्या डिफरेंस आ रहा है ये देख पा रहे हो क्या, जो मिरर में आया था उसमें बस म्यू वन बाय म्यू टू टर्म आती जा रही है। मिरर ये ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी आपको, वरना ऐसे हर एक का फॉर्मूला रटोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। तो इसमें बस क्या चेंज आता है, म्यू वन बाय म्यू टू आ जाता है, ये याद रखना। तो वी वी किसमें होता है, जनरली दूसरा वाला मीडियम में होता है, तो उसके साथ म्यू वन आता है, ये याद रखना, बस उल्टा रहता है, ठीक है ना। ये हो गई लेंथ ऑफ इमेज, ये हो गई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। टू ले लेते हैं, थ्री थोड़ा गड़बड़ करता है। ध्यान से करना, आराम से टाइम ले। ऑब्जेक्ट कैसी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मैं कोई ब्लैंक नोटबुक यूज नहीं करता ना, ब्लैंक नोटबुक आती है, ब्लैंक एकदम रेजोनेंस में तो मिलती ही होती है, वो इस चैप्टर में काफी हेल्पफुल होती है। इसमें क्योंकि 80 लाइनें तो पहले से बनी हुई है, दो चार तुम बना दो कचरा हो जाता है बिल्कुल। मैं क्या उसमें एनएलएम पढ़ा रहा हूँ 11th में, तो मैंने उनसे भी कहा उसमें भी फायदा होता है, एनएलएम में थोड़ा दिख पाता है, वरना एक्सेस तो अपन बनाते हैं पहले से बनी रहती है, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करना है। तो
24 centimeters virtual, erect or inverted. Three centimeter. पोजीशन तो निकल गई होगी सबकी। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, याद रखना हमेशा। तो क्या लिखूंगा मैं? N2, इसमें रे जा रही है, किसमें जा रही है? 2 में। तो 2 बाय v माइनस N1, 1 बाय u की वैल्यू प्लस 20 इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1। रेडियस भी पॉजिटिव है, कितनी हो गई? 30। तो यहां से हमें v कितना मिला? प्लस, यानी कि राइट साइड में बनी है और राइट साइड में ही मिल सकती थी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये कैसा है, रियल है वर्चुअल? रियल है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? तो राइट साइड में ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज रियल है। हाँ, रिफ्रैक्ट करके जा रही है बाद वाला मीडियम। उससे ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं होता रे। अगर ऑब्जेक्ट रियल होती है तो उससे रे निकलती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इसलिए रे पहले से दिखाई गई आती हुई। नहीं, वो ये बताते हैं कि ये यहाँ पॉइंट कर रहे थे, ये यहाँ बनाना चाह रहे थे, पर अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से मे बी ये यहाँ कहीं मीट कर जाएंगे। समझ आ रहा है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? चलो इसके बाद क्या निकाल लेंगे? मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला है? म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाई इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ। तो लिख दो म्यू वन, जिसमें से रे आई थी, वन बाय टू इंटू वी 24 बाय यू 20 इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, कितना है? तो हाइट ऑफ इमेज यहां से मिल गई आपको 3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है यानी कि इरेक्ट। कोई दिक्कत कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? सॉल्व कराने की जरूरत है? अभी आएंगे आगे, ठीक है, जब हम कंबाइन करेंगे। तो पहले मैं इसके टॉपिक खत्म कर देता हूँ। अगला लिख लो स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज इन कर्व्ड सरफेस, इन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। याद आ रहा है मिरर में क्या क्या किया था? दो केस आए थे, कौन से? पहला ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस पर हो, ऑप्टिकल एक्सिस पर ना हो, फिर ऑप्टिकल एक्सिस पर है तो दो केस थे, लॉन्ग या परपेंडिकुलर, और तीसरा केस था एंगल।
समझ आ रहा है? देखो कर पाओगे कि नहीं। पहला लिख लो, ऑब्जेक्ट इज ऑन अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ऑन ऑप्टिकल एक्सिस। एक ऑप्टिकल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट है, ये म्यू वन, ये म्यू टू, ये ओ, ये आई, इसकी रेडियस आर, ये डिस्टेंस है यू, ये डिस्टेंस है वी, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ पहले केस में वो अलोंग द एक्सिस मूव करता है, वी नॉट या वी ओ। तो पहला केस उसका कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एक्सिस। तो फॉर्मूला तो ऑब्वियसली याद किया नहीं होगा, हो जाए तो अलग बात है, कर में और यूर भी किस फॉर्मूले में आते हैं, जो मेन फॉर्मूला था जिससे हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाला, याद आया कि नहीं? तो वही लिख के उसे डिफरेंशिएट करेंगे, म्यू वन बाय यू, अभी याद ही होगा डिफरेंशिएशन तो क्या आया था, सीधे डीवी की जगह क्या आ जाएगा, डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वी स्क्वायर बाय इंटू डी यू बाय डीटी। तो v किस वजह से बदल सकता है, अगर सरफेस भी मूव करने लग जाए तो ये क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं नहीं सर, मैं आपके डी नॉट बोलने का इसमें डी यू बाय डी टी को माइनस डी नॉट होगा, इसमें जो पुट करोगे, ये जब ओपन करोगे वैल्यू नहीं 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 डी नॉट की बात, उसको जोड़ो, उसको तो बस प्लस माइनस, वो जैसे हम डिसाइड करते थे ना, किसी को पॉजिटिव एक्स एक्सिस उस हिसाब से कर देना। अच्छा, बी पार्ट moves perpendicular to optical axis, इसमें क्या करते थे बताओ, बताओ differentiate करके फटाफट लिख लो, तब तक इस बार मूव कर रहा है ऐसे, तो एच आई म्यू टू यू माइनस म्यू वन वी एच ओ है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां से हमें मिलेगा म्यू टू यू डी एच आई बाई डी टी प्लस माइनस ही रहेगा, माइनस म्यू वन वी यहां से मिल गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज म्यू वन वी बाय म्यू टू यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना आसान है मेरे हिसाब से, सारे फॉर्मुलों में सिर्फ और सिर्फ म्यू वन बाय म्यू टू आ रहा है, और एक चेंज आ रहा है,
कोई चेंज आ रहा है? पॉजिटिव आ रहे हैं नेगेटिव की जगह। जैसे मिरर में मैग्नीफिकेशन होता था माइनस वी बाई यू, यहाँ हर जगह मैग्नीफिकेशन आ गया प्लस यू वन वी वन म्यू टू यू, तो हर जगह जहां जहां माइनस होता था वहां प्लस आ जा रहा है, बाकी म्यू वन बाई म्यू टू मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इसी में मैं अगर बोलूं कि ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एक्सिस, अब बताओ क्या होता था? नहीं, पैरेलल वाले के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाले के लिए क्या करेंगे, याद नहीं है ना? पैरेलल वाले में समझ नहीं आ रहा, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और मान लेते हैं कि एक्स में भी चल रही है, मैं डायरेक्ट अब हर एक केस नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि मान लो x में चलता है vx से और y में चलता है vy से, ये डिस्टेंस u है और ये डिस्टेंस इमेज जो भी बनेगी आपकी, मान लेते हैं यहाँ बन गई, ये डिस्टेंस आपकी v है, क्या करते थे? तो अलोंग द एक्सिस के लिए क्या चेंज आता था कोई? याद करो, अगर अलोंग द एक्सिस के लिए कोई चेंज नहीं आता था, सेम फॉर्मूला मिल जाता था, तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला ही मिल जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इज म्यू वन वी स्क्वायर बाय, कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर वाले में क्या करते थे? अब वो जो बड़ी सी चीज हमने लिखी थी चेन रूल वाली, लिखना होगा, लिख दो तो फटाफट। इस बार आ जाएगा हमारे पास क्या? एच आई म्यू टू यू, नहीं नहीं क्या आता था वो, मेरा डिफरेंस एच आई म्यू टू यू इसे डिफरेंशिएट करना है जहां एच आई और यू वी वेरिएबल अरे मान रहा हूँ मैं थोड़ा बोरिंग और रिपीटेटिव है, पर यही करना है, समझ रहे हो? टॉपिक है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा एच आई म्यू टू डी यू बाई डी टी प्लस एच आई यू सॉरी म्यू म्यू टू यू डी एच आई बाई डी टी प्लस माइनस एच ओ म्यू वन डी वी बाई डी टी और माइनस वी म्यू वन डी एच ओ बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है सब कुछ? क्या है डी यू बाई डी टी? हाँ बोलो, तो x के अलोंग भी चल रहा है ना, किसने बोला? वो तो यहीं से पता चल रहा है कि डिपेंडेंट है, उसी में तो टर्म आ रही है u और v की, ये सब तो कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार घर जाके उसको वापस पढ़ना मिरर वाले को, तो आसानी से समझ आ जाएगा। किसी को कोई डाउट क्या? सेम चीज पढ़ी है दोबारा, बस क्या अंतर आ गया, थोड़ा सा म्यू हर जगह पे आ गया है ना, और प्लस की जगह माइनस आ गया। क्लियर? यहाँ पे हर एक टर्म का मतलब पता है, डी एच आई बाई डी टी क्या है? इमेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस है ना, और डी वी बाई डी टी इमेज अलोंग द एक्सिस। बताओ किसका करना चाहते हो, किस टाइप का क्वेश्चन?
एक एक्सिस से हटा के हमें दे देते हैं और उसको टेढ़ा चलवा देते हैं, है ना, ताकि होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ जॉन, किसी एक जिसका सही आंसर आया हो वो डेटा बताना ताकि यू और वी गंदा ना आ जाए। अभी हाइट वाला एक क्वेश्चन किया था ना, क्या डेटा था उसमें, ऑब्जेक्ट थी, यही था 20 सेंटीमीटर, वो तो वर्चुअल था ना, वो और दुखी कर देगा। सिंपल वाला उससे पहले भी तो आया था, नहीं किया तो हाइट तो कर लेंगे एडजस्ट। बोलो तो पहले ये ऑब्जेक्ट कितने पे थी, 60 पे, सेंटीमीटर आर 30 सेंटीमीटर, यहाँ म्यू 2 और यहाँ था म्यू 4, ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, फटाफट बताना जरा फॉर्मूले में पुट करके। अरे वो तो ठीक है, एच आई ताकि अच्छा आ जाए ना, बी बाई यू इंटू म्यू 1 बाई म्यू 2, तो हाफ इंटू 120 बाई 60, 1 आ रहा है, मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है, इससे सुंदर क्या होगा भाई। तो ये लो, कुछ भी ले लो फिर, तो क्या है 5 सेंटीमीटर, माइनस तो रहते ही नहीं उसमें फॉर्मूले में। अच्छा एक रियल है, ठीक है पलट जाएगा बस, फिर भी ठीक है। तो इसकी स्पीड ले लेते हैं भाई, वही अपनी फेवरेट, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री। सरफेस नहीं चलाने का, चला दे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, डर नहीं लगता तुम्हें बेटा, ऐसे करेंगे ना, वो खत्म हो जाओगे तुम, जाने देते एक आध दिन के अटेंडेंस, मैं तो नहीं बोलता भाई, फिर वो आदमी उठा के ले जा रहा, मैं तो कुछ ना बोलता, तुम उनसे बोल रहे हो भाई। चलो बताओ इसका वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये आई कैप है और ये जे कैप, तो सीरियस मैंने कोई नहीं देखा था, मैं खुद को बहुत सीरियस मानता हूँ पर अलग लेवल पे। कभी चाय के लिए पूछते हुए देखो, इनको चाय चाहिए क्या, मन करता है बोलने का, आपको चाहिए क्या, मैं लेके आता हूँ। चलो आज वैसे यहीं तक हो पाएगा सर, देखें कितनी देर में कर पाते हो, 4:44 हो रहे हैं। आगे भी हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ गया भी पहले, मिरर का वो सरफेस का यूज किया, सरफेस भी चल रही है ना, पेन से उसे ओपन करना होगा, बस थोड़ा सा बस कर लो, 70 बस, वी आई माइनस वी एस करना है। ये एक और बार आएगी पूरी कहानी, पता है लेंस में।
कैसे पढ़ेंगे साथ में? इतने क्वेश्चन हैं, एक इतने टाइप के क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में तो हर कोई करने पड़ते हैं, उसमें और कोई चारा नहीं है। आराम से आई कैप जेकैप में लिख के और वो बता दो डायरेक्टली, है ना? घर बैठे लोगों में से किसी का आया? एक आंसर तो मैंने सुना 70 आई कैप प्लस 20 जे कैप, शायद 30 सर। यहाँ कितना है? आंसर तुम्हें लग रहा है, मुझे पता होगा इसका। इसका मैच तो 70 सबसे ज्यादा लोगों ने बोला आई कैप में, अरे 70। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो मैं v निकालूंगा, तो n2 by v minus n1 by u, ये होना चाहिए n2 minus n1 by r, ये पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव है। यहाँ से v कितना आया था भाई? प्लस
प्लस 120 प्लस 120 सेंटीमीटर, ये हमें वी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन। इसकी वैसे जरूरत है नहीं है। अलोंग द एक्सिस हाइट के लिए, हाइट के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो कि हो जाता है म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी बाई यू, है ना, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ही हाइट ऑफ इमेज, माइनस फाइव, कोई दिक्कत। अब अलोंग द एक्सिस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी एक्स कह देता हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट में ही है तो पॉजिटिव, इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाय यू का स्क्वायर, है ना, बोल ही नहीं रहा, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 50 cos 37 40 माइनस 10। यहां से vx जैसा कि जनता कह रही है 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप आएगा। जल्दी पता लगी, चलिए अब लिख लेते हैं परपेंडिकुलर वाला, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसमें आएगा हमारे पास एच आई इंटू म्यू टू आता है ना इंटू डी वी बाय डी यू बाय डी टी प्लस यू म्यू टू इंटू यू इंटू माइनस म्यू वन वी डी एच ओ बाय डी टी माइनस म्यू टू एच ओ म्यू वन। ए भगवान, याद रखना बड़ा मुश्किल है। एच ओ इंटू इज इक्वल टू जीरो, एच आई माइनस फाइव, म्यू टू फोर, डी यू बाय डी टी ऑब्जेक्ट की प्लस म्यू टू फोर यू एच आई बाय डी टी माइनस म्यू वन इंटू वी इंटू डी एच ओ बाय डी टी ऑब्जेक्ट की स्पीड वाई में माइनस म्यू वन इंटू एच ओ इंटू डी वी बाई डी टी वी वाई क्या रहा है माइनस सेंटीमीटर पर सेकेंड। जे क्या है, संभव है कि ये आ रहा हो ऊपर वाली लाइन तक तो सही है, ठीक है, कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत किसी को। हाँ, रिस्क ऑन लेयर। ऐसे नहीं, स्टाइल में करेंगे जैसा हमारे सर करते हैं। ठीक है, हमारे सर ऐसे करके छोड़ देते थे, बस ये तो खुद कर लेना। चलो, तो अब इसके आगे जो होगा हेडिंग, हेडिंग लिख लो ताकि मुझे याद रहे कहाँ से पढ़ाना है। थिक लेंसेस, थिक लेंसेस। तो कर्व्ड सरफेस और मिरर में क्या क्या कॉमन है वो समझ आ गया होगा। यही चीजों पे ध्यान देना है, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक स्पीड ऑफ इमेज और मेन फॉर्मूला तो है ही जो, ठीक है। एंड कर रहा हूँ फिर मैं यहाँ पे, थैंक यू, थैंक यू।